चलो ऐसा सबके पर चल रहे उस भंडारे में बस इतनी ही बात समझनी चाहिए। इसमें सिर्फ और सिर्फ हम निमित्त मात्र हैं, परमात्मा ने हमें दिया हुआ है बिल्कुल उसी तरह से जिसे एक बड़ा अच्छा चिंतन ध्यान में आता है। लोग भरम हम पर करें आते नीचे समझ समझा भी है और लोग उसको दोहराते भी है, हमारे साथ भी है ज्ञान तीर्थ संकल्प है। एक स्लोगन है भोजन शिक्षा और संस्कार स्वर्ग नगरी का यह उपहार। जब तक हम पेट की भूख पर ध्यान नहीं देंगे हम कब तक कहते रहेंगे उसने चोरी की है, उसने भोजन चुराया है। अगर उसने भोजन चुराया है तो उससे ज्यादा बड़े दोषी हैं समाज की जिम्मेदारी। यदि किसी को भूख लगी है तो भोजन की जिम्मेदारी हमारी तरफ से है। हम अकेले खाने के लिए पहले जो कुछ भी हमारे पास में ये नहीं। और हम इसी समाज से सारा कुछ प्राप्त करते हैं। हम खाते लेते समाज से हैं, अपने परिवार पालन में सब कुछ मिल जाते हैं। ये हमारे बच्चे लोग माता जी अजरू बनी प्रेम से प्रसाद पा रहे हैं, रोड बने बैठे हो रहा है। आज हमारे प्रसाद जो है माता जी काली की कृपा खीर बनी हुई है माता जी कृपा से और ना शक्कर आप सभी मीठा पवित्र बेटा की ऊर्जा से यह नहीं हो रहा है। हम बार बार कहते हैं कि इसमें हमारा कुछ भी नहीं है, हम कुछ भी नहीं है, जो कुछ प्रसाद हमेशा जो है प्रेम से कोई और आप नहीं बेटा बच्चों की ऊर्जा के कारण हम भी और ऊर्जा साथ पाते शांत रहने बच्चों के अंदर प्रेरणा जाती है जब इस काम को हम करते हैं ना, तो बच्चों के अंदर भी प्रेरणा जाती है कि हमको भी ऐसे देखिए बढ़िया बच्चे लोग बढ़िया टीम बना के जब साथ पा रहे हैं मस्त से रोक रोक करके हम किसी को लौकी पसंद है किसी को लौकी पसंद नहीं है, सब अपने अपने स्वाद में लगे हैं। परंपरा सबका अपना आनंद है, निरंतर चलने वाला एक ऐसा क्रम है, एक बढ़ने वाला ऐसा वट वृक्ष है, विशाल वट वृक्ष है जो रहे न रहे हम चलता रहेगा। हमेशा ऐसी लत डाल के जाए, आप जिस तरह से किसी को नशे की लत पड़ जाती है ना, तो नशे की लत जब पड़ जाती है उसके बगैर वो रह नहीं पाता है। बिल्कुल इस तरीके से हम इन बच्चों के अंदर ऐसी लत डाल के जाएं, समाज में ऐसी लत डाल के जाएं कि जब तक वो दो चार दस लोगों को रोज का भोजन न करा दें अपनी मेहनत की कमाई से। देखिए जरूरी नहीं कि आप किसी को घर पे भोजन करा पाएंगे कि 1000 लोगों को खिला पाएंगे, कितने लोगों को करा पाएंगे, बिल्कुल कहीं कोई बहुत बड़ी बात नहीं और बहुत ज़्यादा इसमें सोचना नहीं। हमने यदि दो लोगों को भोजन कराने का भी संकल्प ले लिया है, यदि हमने दो लोगों को भी शिक्षा दान करने का संकल्प लिया है, ज्ञान दान करने का संकल्प लिया है, तो निश्चित ही हम एक प्रयास कर रहे हैं, निश्चित ही आपका भी एक प्रयास है। आप यदि प्रसाद बांट नहीं पा रहे हैं, आप प्रसाद पा भी रहे हैं, तो भी आप हमारे सहयोगी हैं। इसलिए क्योंकि कथा सुनाने वाला और कथा सुनने वाला दोनों महत्वपूर्ण होते हैं, प्रसाद बांटने वाला प्रसाद पाने वाला दोनों महत्वपूर्ण होते हैं। इस तरह से देखिए कितने ऐसे लोग हैं जो सुगर से निकले हुए हैं, राहगीर हैं, प्रसाद पाने के लिए लड़ाए थे, कुछ मिल जाए, पानी मिल जाए, भोजन मिल जाए, मजदूरी करके लौट रहे हैं, कोई भाजी तोड़ के लौट रहा है, कोई खेत से पानी लगा के लौट रहा है, ऐसे ढेर सारे लोग हैं। बच्चे कॉलेज से पढ़ के आ रहे हैं, ऑटो चालक ऑटो चला के आ रहा है, यह बहुत कठिन काम है, इसको समझ पाना बहुत कठिन है। और ऐसा हम बार बार कहते हैं कि हम तो पता है कि हम सबकी पूर्ति नहीं कर सकते हैं, लेकिन क्या हम सबकी पूर्ति नहीं कर सकते हैं तो क्या शुरुआत भी नहीं कर सकते हैं? नहीं, शुरुआत तो हम कर सकते हैं, शुरुआत करनी भी चाहिए। और आपको देखकर लोग जाग रहे होते हैं, आपको देख के लोग सीख रहे होते हैं, आपको लोग देख के समझ रहे होते हैं, आप लोगों के लिए प्रेरणा है, आप लोगों के लिए मुस्कान है, आप लोगों के लिए जो है एक ऐसी वस्तु है, एक ऐसा चिंतन है
जिसके कारण सारा कुछ परिवर्तन 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 ही परिवर्तन। भगवान राम ने क्या बांटा, भगवान कृष्ण ने क्या बांटा, भगवान यीशु ने क्या बांटा, तो ऐसे राम रहमान जितने भी हमारे देवतुल्य पवित्र आत्माएं रही हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के रहे हों, कोई पैगंबर रहे हों, चाहे हम बाइबल पढ़ें, कुरान पढ़ें, रामायण पढ़ें, गीता पढ़ें, गुरु ग्रंथ साहब पढ़ें, सब में हमने देखा कि अष्टादश पुराण परोपकाराय पुण्याय पाए प्रवीर मन, दूसरों के कष्ट को दूर करना ही सबसे बड़ी सेवा है, सबसे बड़ा माता जी प्रसाद कष्ट देना ही सबसे बड़ा पाप है। हम प्रेम से खाओ, याद हम आराम से बैठ के खाओ, जिस तरीके से अच्छी चीज उपयोग करने के लिए होती है, अच्छे कर्म उपयोग करने के लिए होते हैं, अच्छा काम करने के लिए होता है, और उपदेश कुशल बहते रहे, उपदेश तब दें जब हम उसको आचरण में ले आए और हमारा आचरण ही उपदेश बन जाए, हम स्वयं ही पुस्तक बन जाए, हमको देख कर के लोग पढ़ने की बजाय करने लगे, और जितनी ये सब चीजें होने लगेंगी तो निश्चित मानिए हमारा समाज हमारा राष्ट्र करके कहीं ना कोई भंडा हो, कहीं ना कोई दंगा हो, कहीं ना कोई दंगा हो, तो कहने से काम नहीं चलेगा। जब हम भूखे के लिए सेवा, कहीं प्यासे के लिए पानी, और जिसके पास वस्त्र नहीं है, छोटी छोटी सेवा हम लोग कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं लगता है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं लगता। इसमें जब आपका समर्पण लग जाए, जहाँ तन और मन है वहाँ आपका सर्वस्व निखावर हो जाता है, आप वहाँ सब कुछ लगाने लगते हैं। ये अमर जीवन में कहीं कहीं अनुभव है कि परमात्मा आपके अंदर जो भी प्रेरणा देता है आपको निरंतर करते रहिए करते हुए। देखिए एक दिन आप जो है वो कर पाएंगे जो परमात्मा करता है, आप परमात्मा के चलना है, जो परमात्मा जी प्रसाद लिए जाओ, अलग अद्भुत थोड़ा थोड़ा कोई आडम्बर नहीं, किसी तरह कोई भय नहीं, कहीं प्रीति, जैसे हम लोग बोलते हैं कि राम राज साकार हो, सत्य बन जाए तो बनेगा कैसे, और सकारात्मक काम करना पड़ेगा, निश्चित होंगे आप सफल होंगे, आप सब बाबा जी ओके कर दें।